अभी तो यह लड़ाई है। बढ़ती महंगाई को लेकर भीम आर्मी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश भीम आर्मी ने किसान, बेरोजगारी, कानूनी व्यवस्था, घटती छात्रवृत्ति, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम एवं आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने आदि के मुद्दों पर भीम आर्मी के द्वारा शहर में साइकिल यात्रा निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बस स्टैंड पर सभा को संबोधित किया। साथ कलेक्ट्रेट में विरोध करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। कहीं न कहीं होती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जो अंधभक्त इस समाज के अंदर पैदा हो रहे हैं, उन अंधभक्तों की वजह से ये समाज और प्रशासन के लोग परेशान है। अंत नहीं करते हो मनुवादी, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की कुटगति कुटनीति के कारण हमारे लोग आज भी प्रताड़ित है। गांव में जाकर देख लो, कांग्रेस वाले को गद्दे फूट रही होगा कि ये तो बीजेपी के विरोध बोल रहे हैं, वो धमको देगा। जब कांग्रेस अत्याचार करवाते तो बीजेपी हमारा फायदा उठा लेती है, और बीजेपी हमारे ऊपर अत्याचार करती है तो कांग्रेस हमारा फायदा उठा लेती है। तो मैं कहना चाहता हूँ दोनों चट्टे बच्चे को, तुमको हम वोट देने वाले में से है नहीं। आप हम देंगे तो हम नई पार्टी को इंसान के अंदर लाएंगे। साथियों, तुम्हारे मारे घबरा गए हम, कंधरा गए। तुम लोगों ने एक भाई मान ले, दूसरा भाई समझा ले, एक भाई मान ले फिर दूसरा भाई समझा ले। तुमने सोचा कि अब ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये सब वोट कांग्रेस को देगा? अरे कांग्रेस वाले ने भी कोई भला नहीं करा है हमारा साथियों, कांग्रेस ने भी अत्याचार करा है। ये करवाते कांग्रेस से अत्याचार करवा दे तो वो बीजेपी को वोट दे देगा, और बीजेपी से अत्याचार करवा दे तो ये कांग्रेस को वोट दे देगा। हम दोनों को वोट नहीं देगा, ये सुन लेना तुम्हारा कान खोल के, और कान में मेल हो तो तेल डाल लेना। हम तुम्हें वोट देने वाले तो नहीं है। अब ये दलित समाज पूरी तरह जा चुकी है, अनुसूचित जाति समाज। हम चंद्रशेखर आजाद पार्टी को मैदान में लाएंगे, और हमारे भाइयों का दुख दर्द कोई हमारे सुनेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम। शाजापुर में आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटी हो रही है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब हमारे लोग थाने में जाते हैं तो उनको बदतमीज कर भारी तैयारी होती है, जमीन के मामले हैं। और खास हमारा मुद्दा ये है कि महंगाई कम की जाए, क्योंकि जब किसानों की बुआई का टाइम आया तभी आप मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर हमारा मुख्य उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि भीम आर्मी ने ठान लिया कि आरक्षण को नवी अनुसूची में डालना है, क्योंकि आए दिन मोदी सरकार अमेंडमेंट करके आरक्षण पर चोट पहुँचा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी हमारी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था, जिसमें दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, लेकिन FIR तक भी नहीं लिखी जाती। बहुत सारे मामले में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी जो मामा बनते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने जो जिस प्रकार से जो मतलब सरकार बनाई है, वो मुझे लगता है कि किसान विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी और सबसे बड़ा दलित विरोधी है। इन लोगों ने जब भी सरकार में आए ये काम इस प्रकार करते हैं। अब 2003 में पट्टे मिले थे, 2003 में पट्टे मिलने के बाद आज समस्या ये आ रही है कि हमारे लोगों को जमीन पर रास्ता नहीं दिया जा रहा है, कब्जा नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध, जो सरकार की जो नीतियां हैं उनके विरुद्ध भीम आर्मी ने यहां से बिगुल फूका है, और ये बिगुल पूरे प्रदेश के अंदर जाएगा। और हमने उनको ठान लिया है कि जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। आप चाहे विधानसभा लोकसभा में विधायक की चोरी करके बन जाए, लेकिन आपको चैन से नहीं बैठेंगे। और आप देखा होगा कि कानपुर के अंदर जिस प्रकार से 8 पुलिसकर्मियों को मारा गया, और उसमें अभी तक भी आरोपी फरार है, लगभग 100 घंटे हो चुके हैं इसके बावजूद फरार, तो उधर भी हमारी भीम आर्मी लगी, बड़े बड़े चंद्रशेखर आजाद जी लगे हुए हैं। तो पूरे देश के अंदर जहाँ पर भी एट्रोसिटी होती है वहाँ पर अपना कर्तव्य दायित्व समझ के भीम आर्मी आंख से आंख मिलाकर प्रशासन से लड़ेगी, और ये हमारा संकल्प दे रहे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.